हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट अगर आपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए यानी कि ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए जो आप अक्सर बोलना चाहते हैं या बोले जाते हैं ओके okay? जैसे कि नंबर वन सब गड़बड़ हो गया अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि सब गड़बड़ हो गया तो अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे एवरी थिंग वेंट रॉन्ग एवरी थिंग वेंट रोंग सब गड़बड़ हो गया एवरी थिंग वेंट रोंग ओके नेक्स्ट डे नंबर टू अक्सर हम लोग पूछते हैं कि ये फोटो कब की है तो अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कहेंगे हाउ ओल्ड इज दिस पिक हाउ ओल्ड इज दिस पिक आप कह सकते हैं पिक्चर ओके okay. ये फोटो कब की है हाउ ओल्ड इज दिस पिक नेक्स्ट डे नंबर थ्री अब मैंने कहा ये पेन किसका है ये पेन किसका है ओके तो ये आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप कहेंगे हुस पेन इज दिस यानी कि यह पेन किसका है हुस पेन इज़ दिस हुस पेन इज़ दिस ओके नेक्स्ट डे नंबर फोर सभी तुम्हें दोषी ठहराते हैं सभी तुम्हें दोषी ठहराते हैं तो आप कहेंगे एवरी वन ब्लेम्स एवरी वन ब्लेम्स यू एवरी वन ब्लेम्स यू सभी तुम्हें दोषी ठहराते हैं एवरी वन ब्लेम्स यू नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर फाइव सभी सो रहे हैं एवरी वन इज़ स्लीपिंग एवरी वन यानी कि सभी इज मतलब है स्लीपिंग मतलब सो रहे हैं ठीक है सो रहे सो रहे हैं सभी एवरी वन इज स्लीपिंग एवरी वन इज स्लीपिंग सभी सो रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर सिक्स अगर आपको कहना है किसी से ज्यादा ज्यादा भाव मत खाओ ज्यादा भाव मत खाओ तो आप कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी डोंट एक्ट सो प्राइसी डोंट एक्ट सो प्राइसी ज्यादा भाव मत खाओ डोंट एक्ट सो प्राइसी नेक्स्ट है नंबर सेवन पिज़्ज़ा सबको अच्छा लगता है पिज्ज़ा सबको अच्छा लगता है तो आप कहेंगे एवरी वन लाइक्स पिज्जा एवरी वन लाइक्स पिज्ज़ा है ना इजी पिज्ज़ा सबको अच्छा लगता है एवरी वन लाइक्स पिज्ज़ा एवरी वन लाइक्स पिज्ज़ा सेंटेंस सेंटेंस नंबर एट सब हंसने लगे एवरी वन स्टार्टेड लाफिंग एवरी वन स्टार्टेड लाफिंग सब हंसने लगे एवरी वन स्टार्टेड लाफिंग पिज्ज़ा सबको अच्छा लगता है एवरी वन लाइक्स पिज्ज़ा

सब एकदम सही था. Everything was perfect. सब एकदम सही सही था। था। सब सब बड़े आराम से हो गया सब बड़े आराम से हो गया सब बड़े आराम से, से हो गया तो आप कहेंगे एवरीथिंग वेंट स्मूथली एवरीथिंग वेंट स्मूथली एवरी थिंग वेंट स्मूथली सब बड़े आराम से हो गया एवरी थिंग वेंट स्मूथली एवरीथिंग वेंट स्मूथली ओके मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर ट्वेल्व अगर आपको कहना है किसी से अक्सर हम लोग कहते हैं बाहर बहुत बाहर बहुत ज़्यादा थंड है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप कहेंगे इट्स टू कोल्ड इट्स टू कोल्ड आउट साइड इट्स टू कोल्ड आउट साइड बाहर बहुत ज्यादा ठंड है इट्स टू कोल्ड आउटसाइड ओके मैं घर पर ही रुक रहा हूँ मैं घर पर ही रुक रहा हूँ आई एम स्टेइंग एट द होम आई एम स्टेइंग एट होम आई एम स्टेइंग एट होम मैं घर पर ही रुक रहा हूँ उसमें कोई तमीज ही नहीं है नेक्स्टेंस सेंटेंस नंबर फोर्टीन उसमें कोई तमीज ही नहीं है ही हैज नो मैनर्स He has no manners. उसमें कोई तमीज़ ही नहीं है He has no manners. बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है It's too cold outside. मैं घर पर ही रुक रहा हूँ I am staying at home. I am staying at home. Next sentence, sentence number फिफ्टीन अगर आपको कहना है कि उसे यहाँ ले आओ तो आप कहेंगे bring that here. Bring that here. उसे यहाँ ले आओ Bring that here. ओके नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर सिक्सटीन अगर आपको कहना है किसी से कि सबके लिए सबके लिए पानी ले आओ सबके लिए पानी ले आओ तो आप कहेंगे ब्रिंग वाटर ब्रिंग वाटर फॉर एवरी वन ब्रिंक वाटर फॉर एवरी वन ब्रिंक वाटर फॉर एवरी वन सबके लिए पानी ले आओ नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर सेवेंटीन नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता तो आप कहेंगे नो आई डोंट थिंक सो नो आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसा नहीं लगता आई डोंट थिंक सो नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता नो आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक सो सबके लिए पानी ले आओ ब्रिंग वाटर फॉर एवरी वन उसे यहाँ ले आओ ब्रिंग दैट हेयर ब्रिंग दैट हेयर नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर एटीन अब कैसा लग रहा है अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे हाउ डू यू फील नाउ हाउ डू यू फील नाउ हाउ डू यू फील नाउ अब कैसा लग रहा है हाउ डू यू फील नाउ ओके नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर नाइनटीन तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा अगर आपको ये चीज इंग्लिश में कहनी है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तो आप कहेंगे डिडेंट यू हेयर वॉट आई सेट डिडेंट यू हेयर वॉट आई सेट नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर ट्वेंटी अगर आपको कहना है किसी से कि ये पुराना वाला है अक्सर हम लोग कोई चीज देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो पुराना वाला है ये पुराना वाला है तो आप कहेंगे दिस इज दिस इज द ओल्ड वन दिस इज द ओल्ड वन ये पुराना वाला है दिस इज द ओल्ड वन तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा डिडेंट यू हेयर वॉट आई सेट अब कैसा लग रहा है हाउ डू यू फील नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर ट्वेंटी वन अगर आपको कहना है मैं उससे केवल एक बार मिला हूँ अक्सर हम लोग ये सब बोलते रहते हैं कि मैं उससे केवल एक बार मिला हूँ अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कहेंगे आई हैव ओनली मेट ठीक है आई हैव ओनली मेट हिम वंस यानी कि मैं उससे केवल एक बार मिला हूँ आई हैव ओनली मेट हिम वंस आई हैव ओनली मेट हिम वंस ओके नेक्स्ट सेंटेंस नंबर ट्वेंटी टू उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ तो आप कहेंगे डोंट ओवर पैम्पर हिम डोंट ओवर पैम्पर हिम तुम्हारा बैग गिर गया अगर आपको ये चीज इंग्लिश में कहनी है किसी से तो आप कैसे कहेंगे आप कहेंगे यू ड्रॉप योर बैग यू ड्रॉप योर बैग तुम्हारा बैग गिर गया यू ड्रॉप्ड योर बैग उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ डोंट ओवर पैम्पर हिम डोंट ओवर पैम्पर हिम मैं उससे केवल एक बार मिला हूं आई हैव ओनली मेट हिम वंस नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर ट्वेंटी फोर अगर आपको कहना है किसी से लाइट लाइट चली गई लाइट चली गई तो आप कहेंगे द पावर द पावर वेंट वेंट ऑफ द पावर वेंट ऑफ लाइट चली गई द पावर वेंट ऑफ ओके नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर ट्वेंटी फाइव मुझे सच में जाना है आई रियली आई रियली हैव टू गो मुझे सच में जाना है आई रियली हैव टू गो आई रियली हैव टू गो तो आज की क्लास में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग